ये जो स्टोरी है ब्रेव हार्ट, वो मूलतः एक लड़का और उसके पिताजी दोनों की कथा है। जो लड़का है उसको जब 19 साल का था तब उसको कुछ ऐसी बीमारी हुई कि जिससे आपका शरीर का कंट्रोल निकल जाता है। जैसे आपके आपको अगर हाथ उठाना है तो पहले आपको ब्रेन को बताना पड़ता है कि मुझे हाथ उठाना है। लेकिन ये जो डिसीज था उसके अंदर आपकी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है शरीर की, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और आपके ब्रेन को पता नहीं चलता कि आपको हाथ उठाना है। और इस तरह इस फिल्म का जो ये डिसीज़ का दायरा जो है बढ़ते जाता है। पहले हाथ से शुरू होती है, फिर दूसरे हाथ तक आती है, फिर तीसरे फिर पैर तक आती है, फिर दूसरे पैर तक आती है। इस तरह जो 19 साल का जब लड़का था तब उसको ये डिसीज़ हुआ और वो 30 साल तक इस डिसीज़ के साथ दिया। लेकिन उसकी जो ज़िंदगी की इच्छा है वो इतनी तीव्र थी इच्छा कि बहुत अच्छी तरह से उसने फाइट किया इससे। और जब वो 39 उम्र का हुआ था जब वो इसकी मौत हुई, तब 30 सालों में वो जो कंपनी में काम करता था टेक महिंद्रा, उस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट हुआ। 4 साल तक लंदन में रहा, उसकी शादी हुई। जो भी सामान्य ज़िंदगी आदमी जीता है उतनी 100 साल की ज़िंदगी लड़का 30 साल में जिया। और इसके लिए उसके पिताजी ने अपना काम छोड़कर, अपनी नौकरी छोड़कर सब कुछ नौछावर कर दिया अपने बच्चे के ऊपर। ये जो दोनों के रिलेशन की कहानी है इस पिक्चर के अंदर। हाँ, एक कहानी मैंने लिखी है, इसकी स्टोरी तो पहले से तैयार थी इसकी, क्योंकि ये रियल स्टोरी है। तो मैंने इसकी स्क्रिप्ट लिखी है, इसके डायलॉग्स लिखे हैं और इसके अंदर एक गाना है और एक कविता है, वो भी दोनों मैंने लिखे हैं। वो किशोर कदम के नाम, सौमित्र के नाम से जो एक्टर जाना जाता है, वो बहुत अच्छी तरह से रिसाइट करता है कविता, उसकी आवाज़ में एक कविता है। और साधना सरगम जी ने इसका फिल्म का गाना गाया है, बहुत अच्छा गाना है। तो मेरी कोशिश है कि जो सही स्टोरी है, जो रियल स्टोरी है, वो पर्दे पर भी उतने रियलिटी से आ जाए। इसके अरुण नलावा जैसे एक मजे हुए कलाकार है, संग्राम समीर जो उन्होंने लड़के की भूमिका की है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और हमको लगता है कि जो हमने कोशिश की वो पर्दे पर भी कहीं उतरेगी। इस फिल्म में जो प्रमुख किरदार है सत्यनारायण विद्यार्थी, जो अरुण नलावा की प्ले कर रहे हैं, उनके दोस्त में भूमिका अदा कर रहा हूँ। जो दोस्त उनके साथ हर वक्त हर पल उनके साथ है, सुख में दुख में, जब भी मुसीबतें आती है तो ये दोस्त उनके साथ आज तक है। जो आज फिल्म बनाने की आज ये चेष्टा कर रहे हैं तो उनके साथ निर्मिति में भी लगा हुआ संदेह से लगा। अच्छा, जैसे डॉक्टर के पास अलग अलग किस्म के रोगी आते हैं और अलग अलग पेशेंट आते हैं, उन्हें अलग अलग दवाई दी जाती है, वैसे अगर रोल अलग होगा तो अलग तरह से भूमिका निभाई जाती है। ऐसे कुछ हम लोग घर से डिसाइड करके नहीं निकलते कि आज कॉमेडी करनी है या सीरियस काम करना है, तो जिस प्रकार का रोल आता है, जिस प्रकार का सीन आता है, उस तरह से हम काम करते हैं।